टीचर पद्मावती के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है हर जगह हर सिटी में, बिना फिल्म को देखे करनी सेना एंड ऑल बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है लोगों को इतना जजमेंटल होना चाहिए फिल्म को लेके? मुझे ये लगता है कि पार्ट है। अच्छा, मैं जो भी कहूँ वो मुद्दा बन जाएगा, तो मैं प्यार से कहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी हिंदू हूँ और मुझे नहीं लगता इतना कच्चा होता है धर्म कि एक पिक्चर से टूट जाए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की खासियत ये है कि हम डेमोक्रेसी हैं, तो पिक्चर देख लें उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस हो तो, क्योंकि हमारे देश में एक बॉडी है जो फिल्मों को सर्टिफाई करती है, तो वो पहले अपना काम कर चुकी है। और मुझे अपने फेथ, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन में इतना विश्वास है कि वो 2 या 3 घंटे की पिक्चर से हिलेगा नहीं। बस थैंक यू दीपिका। चलिए, अपने फैंस को जो इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी फिल्म को लेकर? नहीं, एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि जो प्यार हम सबको मिल रहा है, और चाहे वो पोस्टर्स के लिए हो या ट्रेलर के लिए हो या गानों के लिए हो, आई थिंक वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक वी आर वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस एंड वी कांट वेट टू शेयर दिस फिल्म विद एवरीवन। इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी एंड आई थिंक वी आर लिटरली काउंटिंग द डेज। वी कांट वेट फॉर द फिल्म टू रिलीज एंड वी कांट वेट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। अजीब सा थोड़ा माहौल, थोड़ा सा सही है, मतलब डर का सहमा सा भी माहौल है जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह इसको कैसे ले रहे हैं आप? कई कई घटनाएं होती हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं कई महीनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि फिल्म देखें फिर डिसाइड करें, फिल्म को मौका दें, पहले प्री कंसीव नोशंस ना बनाएं। कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है पद्मावती के साथ में, क्या ओपिनियन होगा? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ दिस जाने वाले लोगों को इतना जजमेंटल होना चाहिए फिल्म को लेके विदाउट सीन? नॉट एट ऑल, ऑब्वियसली एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज एन एक्टर जितनी मेहनत लगती है कहानी बनाने में, ऑल्सो आई फील टू गिव क्रेडिट टू द फिल्म मेकर। अगर आप देखें संजय लीला बंसाली जी ने जो पहली पिक्चरें बनाई है, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी आर्टिस्टिक, दे हैव नथिंग ऑफेंसिव अबाउट दम। तो आई थिंक इट्स अनफेयर कि आप बिना पिक्चर देखे किसी चीज़ पर कॉमेंट करें। आई थिंक सिर्फ सेंसर बोर्ड को वह हक है, और हम होप कर रहे हैं कि एज एन इंडस्ट्री कि वो पिक्चर की रिलीज अच्छी हो और सब आराम से पिक्चर देख पाए और तब फिर डिसाइड करें। आई थिंक बहुत ही आई फील रियली बैड दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक फिल्म्स एज लॉन्ग एज दे आर नॉट यू नो सेंडिंग आउट अ बैड मैसेज, एज लॉन्ग एज अ बिट ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी इज ओके, बट एज लॉन्ग एज इट डजंट हर्ट समबडीज डिग्निटी, I think you must allow a filmmaker to express himself through cinema. So that's my opinion. I really hope that something good comes out.